लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद जयपुर शहर में बाइक चोरी की वारदात दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पैसों की किल्लत से जूझ रहे तमाम बदमाश अब बाइक चोरी जैसी वारदातों को अंजाम देने से नहीं चूक रहे। इसी कड़ी में जयपुर कमिश्नरेट के श्यामनगर थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जी हाँ, पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर चार चोरों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 13 पावर बाइक्स भी बरामद कर ली है और पुलिस फिलहाल पूछताछ में जुटी है। पूछताछ में आरोपियों ने 2 दर्जन से ज्यादा बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देना कबूल किया है। पुलिस के मुताबिक कटेवा नगर में एक युवक की बाइक चोरी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों को धर दबोचा है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिसमें अन्य कई वारदातों के खुलासा होने की उम्मीद है। राजधानी जयपुर शहर में लॉकडाउन के दौरान काफी वाहन चोरी की वारदातें सामने हो रही थी, मगर इसी कड़ी में श्याम नगर थाना प्रभारी संतरा मीणा को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी और उनकी टीम को, जो उन्होंने एक ऐसे वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया जो राजधानी जयपुर शहर के अलग अलग इलाकों के अंदर वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। तस्वीरों के अंदर आप जिन शख्सों को देख रहे हैं, ये चारों शख्स वाहन चोर हैं जो जयपुर शहर के शिप्रापत थाना हो, चाहे महेश नगर थाना हो, चाहे श्याम नगर थाना इलाका हो, तमाम जगहों पर वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। ऐसा ही शख्स है मोहित सैनी, जो कि कटेवा नगर के अंदर रहता था। वह अपने घर बीकानेर चला गया था और पीछे से ये शख्स आए और इन्होंने वाहन चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद जब पीड़ित वापस जयपुर लौटा तो उसको अपनी जो बाइक है वो चोरी मिली। इसके बाद उन्होंने श्याम नगर थाना पुलिस में पूरी सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी से कार्रवाई करते हुए चार शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया, जिसमें सौरभ सैनी है, दीपक शर्मा है और नंदलाल है। उसके साथ में उसका एक साथी अन्य भी है। ये तमाम चारों लोग हैं जो जयपुर शहर के अंदर लगातार वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस ने इनसे करीब 1 दर्जन से ज़्यादा, यानी करीब 13 पावर बाइक्स बरामद किए, जो कि इन्होंने जयपुर शहर के अलग अलग थाना इलाकों से चुराई गई थी। इन तमाम चुराई गई वाहनों के बाद पुलिस ने इनसे जब पूछताछ की तो करीब 2 दर्जन से ज़्यादा इन्होंने वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देना कबूल किया है। और किस तरह पूरी कार्रवाई रही है उसको जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मणिराम जी हैं, क्योंकि इनके निर्देशन में जो टीम ने जो काम किया है, सर किस तरह रही पूरी कार्रवाई में? लॉकडाउन के दौरान ये इन्होंने चोरी की हैं सारी, और ये लॉकडाउन चलने के कारण ये बेच नहीं पाए थे, और पहले पुराने टाइम से ही ये वाहन चोरी कर रहे हैं लगातार करते आ रहे हैं। और भी पहले मुकदमे हैं? हाँ, पहले मुकदमे सभी ये जेल जा चुके हैं पहले वाहन चोरी के मामले में। सरगना कौन है इसके अंदर मूल रूप से? मूल रूप से ये सौरभ सैनी है, जो नए नए लड़कों को अपने साथ ग्रुप में मिलाता है और ये चोरी करवाता है। सौरभ सैनी इस पूरे गैंग का लीडर है, जो कि अपने साथ नए नए गुर्गों को यहाँ पर जोड़ता है और उनसे जयपुर शहर के अंदर चोरी की वारदातें करवाता है। सबसे खास बात यह है कि चोरी करने के बाद ये तमाम जो वाहन थे उनको अजमेर, अन्य जिलों के अंदर बेच देते हैं, जो कि औने पौने दामों में बेचते हैं। वाहन चोरी के लिए जो शख्स हैं लगातार मास्टर की का इस्तेमाल करते हैं और उसके जरिए यहाँ पर वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। कुल मिलाकर के कहा जाए तो संतरा मीणा एक महिला एसएचओ के नेतृत्व में पूरी टीम गठित की गई थी, और उसके बाद यहाँ पर एक बड़ी कामयाबी उनकी टीम को हाथ लगी है, जिसमें तमाम जो लोग हैं मेरे सामने जो नजर आ रहे हैं, इन तमाम लोगों ने बड़ी मुस्तैदी के साथ कार्रवाई करते हुए इन सभी चारों बदमाशों को, जो शातिर चोर हैं, उनको गिरफ्तार किया है। साथ में वो तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा जो इनसे बरामद हुई हैं। तस्वीरें आप देखेंगे कि जो थाने के बाहर जो बाइकें खड़ी हुई है जो नज़र आ रही है आपको, लग्जरी वाहन है सारे, जिसमें अपाची है, बुलेट है, पल्सर बाइक है, तमाम ये लग्जरी जो पावर बाइक्स है इन सभी वाहनों को ये चुराने का ये काम करते थे। फिलहाल जो पुलिस है इनसे पूछताछ कर रही है, पूछताछ के बाद में इनसे अन्य और भी वाहन चोरी की वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद है। कैमरा पर्सन रामकृष्ण सैनी के साथ यादव इंद्र शर्मा, A1 TV न्यूज़ जयपुर।